बजट 2024 पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि मैं इस बजट के लिए निर्मला सीतारमण का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस बजट से हम ज्यादा फायदा ले सकते हैं। ये गांव गरीब से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक का बजट है। ये पीएम मोदी के 25 साल के विकसित भारत के सपने को पूरा करने वाला बजट है। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज जो रूरल डेवलपमेंट में रहते हमेशा के लिए गांव और गांव का विकास इसके ऊपर हमेशा के लिए भर इस बजट में भी दिया है। FDI और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड प्रोसेस से FDI इन्वेस्टमेंट देश में होने के लिए इसका प्रोसेस सिंप्लीफाई किया है। मुझे लगता है डेट विल हेल्प फॉर द मैक्सिमम FDI कैन कम टू द कंट्री। न्यू पेंशन स्कीम जो इंट्रोड्यूस किया है इसका फायदा मैक्सिमम एम्प्लॉयज के लिए मिलेगा, खास करके विच इज एन इनकम टैक्स प्रपोजल जो रिवाइज किया है द मिडिल क्लास और द सैलरीड पर्सन इनके लिए 17,500 का डायरेक्ट बेनिफिट है और उसमें डिडक्शन में अप्रॉक्सीमेटली जो 50,000 विच इज एन स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसमें अभी 75 डिडक्शन करके 25,000 का डायरेक्ट इसमें बेनिफिट्स उन लोगों को मिल सकता है। आई थिंक बजट का मैं बहुत बहुत निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूँ और बजट का स्वागत करता हूँ। इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स गोवा सरकार के लिए, गोवा के लोगों के लिए जितना हम ले सकते हैं बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डाउटलिंग ऑफ द स्कीम स्पेशल प्रपोजल्स गोवा सरकार की तरफ से उतनी भेज के हम इसका बेनिफिट्स लेंगे। और जिस तरह से मेजर एक्सपेंडिचर डिफेंस रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर होम अफेयर्स एजुकेशन IT हेल्थ एनर्जी एंड सॉफ्टवेयर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में देखा तो मुझे लगता है कि विच इज एन प्रो बजट फॉर द गांव गरीब से लेके इंडस्ट्रियल सेक्टर तक इस बजट में जो प्रावधान किया है इसका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए विकसित भारत का सपना साकार करने वाला ये बजट है। आगे 25 साल के लिए जिस तरह से विजन माननीय मोदी जी ने रखा है